हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्लोली को कहने के नए वर्ड्स सीखेंगे, यानी कि स्लोली को हम लोग अलग अलग तरीकों से कैसे बोल सकते हैं आज हम लोग वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है एट अ स्लो पेस। इस फ्रेज को हम तब यूज करते हैं जब कोई इंसान बहुत धीरे चल रहा होता है, जब कोई इंसान बहुत धीमी गति से चलता है। मान लो किसी के पैर में फ्रैक्चर हो रखा है, तो आप उसको कहना चाहते हो कि तुम्हें धीमी गति से चलना चाहिए। तो आप उसे कहेंगे यू शुड वॉक एट अ स्लो पेस, यू शुड वॉक एट अ स्लो पेस। ओके, तो हमारी सेकेंड फ्रेज है विदाउट हरिंग। हरिंग मीन्स क्या होता है? बहुत जल्दी से। लेकिन विदाउट हरिंग मीन्स बिना जल्दी के। यू शुड पैक योर बैग विदाउट हरिंग, तुम्हें अपना बैग बिना जल्दी के पैक करना चाहिए, ताकि अगर तुम ज्यादा जल्दी में अपना बैग पैक करोगे तो कोई सामान तुम्हारा छूट जाएगा। या फिर ही इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट विदाउट हरिंग। नेक्स्ट वन इज अनहरिडली। नेक्स्ट वन इज अनहरिडली। ये दोनों वर्ड्स आपको थोड़े रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, विदाउट हरिंग एंड अनहरिडली, लेकिन ये बहुत बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। विदाउट हरिंग तो मीन्स बिना जल्दी के, लेकिन अनहरिडली का मीन्स होता है सुस्ती से। क्या? सुस्ती से। जैसे कि शी वेक्स अप अनहरिडली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुस्ती से उठती है। ओके, फोर्थ वन इज स्टीडिली। स्टीडिली का मीन्स होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। स्टीडिली का मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ना, यानी कि बहुत स्लोली स्लोली से आगे बढ़ना। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, शेयर प्राइजेस आर इंक्रीजिंग स्टीडिली। शेयर प्राइजेस तो आपको पता ही होंगे, वो मतलब कि शेयर प्राइसेस बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शेयर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग स्टेडिली। नेक्स्ट वन इज लेजरली पेस। आपको एट अ स्लो पेस और लेजरली पेस थोड़े रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये थोड़े रिलेट भी करते हैं। ओके, एट अ स्लो पेस का मीन्स होता है धीमी गति से, और लेजरली पेस का मीन्स होता है आराम की गति से। ओके, क्या? आराम की गति से। जैसे कि शी इज वॉकिंग एट अ लेजरली पेस। ओके, इन ये दोनों वर्ड्स रिलेट करते हैं, बट विदाउट हरिंग एंड अनहरिडली डोंट रिलेट। ओके, नेक्स्ट वन इज स्नेल पेस। स्नेल पेस का मीन्स होता है केंचुए की गति से। आपने केंचुआ तो देखा ही होगा कितने धीरे चलता है, तो स्नेल पेस यानी कि केंचुए की गति से। जैसे कि माई ग्रैंड ब्रदर वॉक्स एट अ स्नेल पेस, मेरी दादी माँ केंचुए की गति से चलती हैं। ओके, यहाँ पर हमने कंपेरिजन करा है केंचुए का ग्रैंड मदर के साथ। ओके, नेक्स्ट वन इज स्लोली बट श्योरली, यानी कि धीरे धीरे पर सीख लूंगा जरूर। जैसे कि आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो, तो आप किसी को क्या बोलेंगे? अगर कोई पूछता है डू यू नो इंग्लिश, तो आप बोलेंगे आई विल लर्न इंग्लिश स्लोली बट श्योरली। मैं इंग्लिश धीरे धीरे सीख रहा हूँ, पर एक दिन मैं जरूर सीख जाऊंगा। यानी कि कोई काम धीरे धीरे करना, लेकिन बट श्योरली, लेकिन ये बात का पक्का होना कि मैं उस काम को पूरा कर लूंगा। ओके, एट वन इज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मीन्स सिंपल होता है स्लोली, ग्रेजुअली का मीन्स होता है स्लोली। ओके, जैसे कि ग्रेजुअली इट्स गेटिंग कोल्ड, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज बिट बाय बिट। बिट बाय बिट का मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि आई विल लर्न इंग्लिश बिट बाय बिट, मैं थोड़ी थोड़ी करके इंग्लिश सीख लूंगा। ओके, टेंथ वन इज लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल और बिट बाय बिट दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, थोड़ा थोड़ा करके। ओके, एग्जाम्पल सेम ले सकते हो, आई विल लर्न इंग्लिश बिट बाय बिट या फिर लिटिल बाय लिटिल। स्टेप बाय स्टेप, नेक्स्ट वन इज स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है एक एक करके। स्टेप बाय स्टेप का क्या मीन्स होता है? एक एक करके। जैसे कि आई विल एक्सप्लेन दिस प्लान टू यू स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको ये प्लान मैं आपको ये प्लान एक एक करके समझाता हूँ, यानी कि मैं आपको इसका एक एक पार्ट समझाता हूँ, तब आपके ही समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेशन। टिल दैट, बाय, टेक केयर।